जी हाँ नमस्कार साथी, एक और बड़ी खबर पश्चिम राजस्थान से आ रही। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान में अभी मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि अगले 7 से 11 सितंबर के मध्य भयंकर बारिश को लेकर पश्चिम राजस्थान के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान के इन जिलों में भयंकर बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र का दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो लगभग बंगाल की खाड़ी से 0.5 किलोमीटर ऊपर है। इसकी वजह से पश्चिम राजस्थान के सभी जिलों में मानसून एक्टिव रह सकता है। आपको बता दें कि यह मानसून मौसम विभाग के मुताबिक लो प्रेशर वाला एक सिस्टम 10 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इसके अगले 8 से 10 दिन रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जिले भर में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बुधवार को कोहरा छाया रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने बीते सप्ताह समय सीमा से पहले ही गिरदावरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक गिरदावरी करने के निर्देश दे दिए। सो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान के इन सभी जिलों में मानसून आने की संभावना जता दी है। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, पाली, सिरोही आदि अन्य जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है 7 से 11 सितंबर के मध्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान में इस बार मानसून के दौर में बाड़मेर जिले में अच्छी बारिश देखने को मिली है। सोमवार को जिले भर में चोटन, सेडवा, गिडा, बाड़मेर, धोरी, मन्ना, गुडा मलानी, आडेल, नौखेड़ा, बायतू, शिव, रामसर, गढ़रोड इलाके में कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि धोरी मन्ना में सबसे ज्यादा 47 mm बारिश दर्ज की गई है जबकि बाड़मेर शहर में 20 mm और चौहटन में 14 mm बारिश दर्ज की गई। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।